गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर सुनीतास किचन। आप सब लोग कैसे, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं ब्रेड का मिठाई। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, ये ले लिए 2 पीस ब्रेड, मक्खन, 1 कप दूध, काजू और रोगन बादाम बारीक काट कर, और ये चॉकलेट सिरप। अब एक पैन बैठा लिए है गैस पर, अब उसमें मक्खन डाल दे रहे हैं। अब इसे ब्रेड को सेक लेना है। अब ब्रेड को घी से या फिर तेल से भी सेक सकते हैं, या फिर चाहे तो आप सूखा भी सेक ले सकते हैं। देखिए हो गया है, इसे अब पलट लेते हैं। धीमी आंच पे क्रिस्पी सेक लेंगे दोनों तरफ। देखिए ये हो गया है दोनों तरफ ही। अब इसे एक के ऊपर एक रख देंगे इस तरह। इसमें दूध डाल देंगे, ये दूध हम पहले ही उबाल के ले लिए हैं। देखिए इस तरह से पराठी का ऊपर दूध दे दीजिएगा, तो इससे पराठी दूध को सोख लेगा। ये पैन का साइड में दूध लगा हुआ है, इसे भी छोड़ा के पराठी के ऊपर डाल दो। अच्छी तरह से सुखा ले दूध को। देखिए ब्रेड अच्छी तरह से दूध सोख लिया है और ये फूल भी गया है। अब इसे नीचे उतार लेते हैं। देखिए ब्रेड हो गया है, अब इसमें चोको सिरप डाल देते हैं। ऊपर से रोगन बादाम और काजू छीट देते हैं। देखिए बनकर तैयार हो गया है ब्रेड का मिठाई। ये बिल्कुल नया रेसिपी है, आप जरूर इसे घर पर एक बार ट्राई कर खाइएगा। बच्चे इसे बहुत पसंद कर खाते हैं और बार बार बोलते हैं इसे बनाने के लिए। ये खाने में बहुत पौष्टिक है, इसमें दूध भी है और बादाम काजू सब है। तो आप इसे ज़रूर एक बार घर पर ट्राई करिएगा। अब हम इसे काट कर दिखाते हैं। देखिए देखिए कितना सॉफ्ट हुआ है। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब इसे घर पर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट पर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। और इस तरह नया नया रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ज़रूर।